नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से सीएम साय ने की बात, बोले जल्द होगी वतन वापसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम साय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले की निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, पूरा देश देख रहा है, नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पूरा देश देख रहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। लगातार मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करे। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वक्त में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहा है। अब तक नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कई मुठभेड़ हुई है, जिनमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। 4 जून को आएगी मोदी का नाम की सुनामी, बीजेपी के नारे पर कांग्रेस का पलटवार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में मोदी नाम की सुनामी को कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा का बनावटी वातावरण बताया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए भाजपा अपने पक्ष में षड्यंत्र रचकर वातावरण बना रही है। जनता जानती है कि भाजपा फर्जीवाड़ा कर नैरेटिव बनाती है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। जब मुठभेड़ हुई तब सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि की कि माओवादी वर्दी में अब तक 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये ऑपरेशन माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी और प्लाटून नंबर 16 के कैडरों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में इस दिन से खुलेंगे स्कूल, घर घर जाकर दिया जाएगा इनविटेशन। छत्तीसगढ़ का नया शिक्षा सत्र 16 जून से आरंभ हो रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 18 जून को राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये स्कूल संकुल, विकास खंड और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रवेश उत्सव के लिए सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला मिशन समन्वयकों, सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आरटीई के अंतर्गत ड्रॉपआउट छात्रों की होगी जांच। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी जिलों के कलेक्टर से आरटीई अंतर्गत ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी पत्र में कहा गया है कि जिले के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक प्राचार्यों की बैठक 10 दिन के भीतर बुलाकर ये समीक्षा करें कि इनके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने आरटीई के तहत प्रवेश लिया था, साथ ही उनमें से कितने बच्चे पढ़ाई छोड़कर ड्रॉपआउट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई मदिरा शराब पर बदली सरकार की सुर से विपक्ष नाराज। शराब की कीमतों में सरकार ने इजाफा कर दिया है। साथ ही सरकार ने अब ये व्यवस्था की है कि शराब पीने वाले लोग डिजिटल पेमेंट के जरिए भी शराब खरीद सकते हैं। डिजिटल पेमेंट की सुविधा मुहैया कराने के लिए बकायदा दुकानों को हाईटेक किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उसने शराबबंदी की मांग उठाई थी, अब बीजेपी सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस का आरोप है कि शराबबंदी की बात करना तो दूर, बीजेपी की सरकार शराब बिक्री को बढ़ावा देने में जुट गई है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप, नक्सलियों के आगे बीजेपी सरकार ने घुटने टेके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि माओवाद के आगे भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा सरकार ने 5 महीनों में नक्सल मामलों में कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री कभी वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, कभी लाल भाजी का खाने का न्योता देते हैं, तो अब गूगल फॉर्म जारी कर सलाह मांग रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि नक्सल नियंत्रण में भाजपा सरकार अब तक असफल है।
छत्तीसगढ़ में कौन मारेगा बाजी, मतगणना की शुरू हुई तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट और राजनांदगांव सीट पर सबकी नजर है। दोनों सीटों पर इस बार दिग्गजों के बीच मुकाबला है। दुर्ग और राजनांदगांव सीट पर जीत हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर लोगों के बीच अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने भी मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने खुद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले पहुंची। दौरे पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। अरुण साव ने कहा, एनडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है, आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और एनडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनगढ़ प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके एनडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किया। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त एसी 3 कोच की सुविधा। रेल यात्रियों के लिए कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा पुणे हावड़ा और हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक एक अतिरिक्त एसी 3 कोच की सुविधा दी है। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ट्रेन में अतिरिक्त कोच आज से 27 मई तक उपलब्ध रहेगी। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा और अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली ट्रेन में अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराया गया है। कैदियों की जिंदगी जी रहे छत्तीसगढ़ के सैकड़ों स्टूडेंट, किर्गिस्तान में हालत खराब। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट कैदियों की जिंदगी जी रहे हैं। सभी स्टूडेंट को हॉस्टल तो दूर, कमरे से भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। राजधानी बिश्केक से शुरू हुई हिंसा कई अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। चारों तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। स्टूडेंट्स ने वीडियो संदेश जारी कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मदद करने की गुहार लगाई है। हालांकि वहां की सरकार ने हॉस्टल के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर स्कीम, कोरबा के 3000 घरों में लगेंगे सोलर पैनल। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पीएम सूर्य घर स्कीम का आगाज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण विभाग ने पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 5 शहरों का चयन किया है। पहले चरण में इन्हीं शहरों के 25,000 घरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके बाद योजना का और भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नेशनल पोर्टल रूफटॉप की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिलहाल आवेदन करने का माध्यम सिर्फ ऑनलाइन ही रखा गया है। एनईपी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को होगा बड़ा फायदा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024 से 25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। स्नातक कक्षाओं में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। स्नातक के छात्रों को अब आंतरिक मूल्यांकन के 20-30% अंक दिए जाएंगे। अभी तक 10% अंक दिए जाते थे। विषय में के अनुसार अंक निर्धारित किए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के नंबर बढ़ने से नियमित कॉलेज आने वाले छात्रों को फायदा होगा। जो छात्र छात्राएं प्रतिदिन पढ़ने आएंगे उन्हें आंतरिक मूल्यांकन से ज्यादा अंक मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आप सभी को सरप्राइज करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और जो नतीजे आएंगे वो आप सभी को सरप्राइज करेंगे। राहुल ने कहा कि 4 जून का इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल के साथ प्रचार के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।